नमस्कार, जीएस डेली रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम काबुली चने के छोले बनाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। छोले बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप काबुली चना, लगभग 7 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगोया हुआ, 12 से 15 कली लहसुन, 1 प्याज कटा हुआ, 2 टमाटर कटा हुआ और 1/2 इंच टुकड़ा अदरक, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 3 चम्मच तेल, नमक स्वादानुसार, 1 चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा और 2 तेज पत्ता, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच आमचूर पाउडर। छोले बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कुकर में काबली चने को लेकर उसमें लगभग 3 कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें बेकिंग सोडा और 1/2 छोटा चम्मच नमक डालकर मिलाएंगे। इसके बाद हम कुकर के ढक्कन को बंद करके इसे पकने के लिए रख देंगे। पकने के लिए हम इसे तेज आंच पर रखेंगे और पहली सीटी आने के बाद हम आंच धीमी करके लगभग 10 से 15 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। फिर पूरा प्रेशर निकल जाने के बाद हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। आप देख सकते हैं अभी भी इसमें कुछ पानी बचा हुआ है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा चना पका है कि नहीं। हमारा चना पूरी तरीके से अब पक चुका है, तो अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लहसुन, 1 प्याज, 2 टमाटर और 1/2 इंच टुकड़ा अदरक को एक साथ मिलाकर पीस लेंगे। हमने इन्हें पीस लिया है, तो अब हम एक कढ़ाई में 3 चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें जीरा और तेज पत्ता डालकर उसे भूनेंगे। अब इसमें अदरक और प्याज डालकर प्याज के हल्के गुलाबी होने तक भूनेंगे। हमारा प्याज अब हल्का गुलाबी हो चुका है। अब हम इसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालकर मिलाएंगे। इसे मिलाने के बाद अब हम इसमें पीसा हुआ मिश्रण डालकर मिलाएंगे। इसे मिलाने के बाद अब हम इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला और हरी मिर्च डालकर इस मसाले को भूनेंगे। मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक इन मसालों से तेल अलग ना होने लगे। तो अब हमारा मसाला भूनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसमें से तेल अब अलग हो रहा है और ये किनारों से भी पैन को छोड़ रहा है। तो अब हम इस मसाले में उबले हुए चने मिलाएंगे। चने में जो पानी बचा था वो भी हम इन मसालों में डाल देंगे।
अब हम इसे चलाते हुए अच्छी तरह से मसालों के साथ मिला लेंगे। आप चाहें तो अब तेज पत्ता इसमें से निकाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी और डालकर मिलाएंगे। इसके बाद नमक डालकर मिलाएंगे। नमक डालकर मिलाने के बाद हम इसे पहले उबाल आने तक तेज आंच पर पकाएंगे। अब पहला उबाल आ चुका है तो हम इसे एक बार और अच्छे से चलाकर ढककर धीमी आंच पे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं तो हम इसे अब अच्छे से एक बार और चलाएंगे। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है और अब ये भी अच्छी तरह से पककर तैयार है। तो अब हम इसमें आमचूर पाउडर डालकर उसे मिलाएंगे। आमचूर पाउडर मिलाने के बाद हम कटी हुई हरी धनिया डालकर इसमें मिलाएंगे और फिर गैस ऑफ कर देंगे। तो अब हमारे छोले बिल्कुल तैयार हैं। आप इन्हें गर्मा गर्म भटूरों के साथ सर्व करिए, चावल के साथ सर्व करिए, पूरी या कचौरियों के साथ सर्व करिए। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और अपने सुझाव मुझसे ज़रूर शेयर करिए। मेरी और भी रेसिपीज़ देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।